समाचार उज्जैन जिले के तराना से। विधायक महेश परमार ने सिविल हॉस्पिटल तराना में पुनः 15 लाख रुपए की कीमत की 17 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की भेंट। लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए तराना विधानसभा के प्रत्येक नागरिकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए विधायक महेश परमार निरंतर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अभी विगत दिनों ही उन्होंने माधव नगर अस्पताल में 17 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की और उसी दिन तराना में भी 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की है। लेकिन ऑक्सीजन की त्राहिमाम स्थिति को देखकर विधायक महेश परमार ने शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजीत सिंह ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गजराज सिंह चौहान, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बारोड़, एसडीएम एकता जायसवाल, तहसीलदार डी के वर्मा, थाना प्रभारी संजय मंडलोई सहित प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सिविल हॉस्पिटल तराना में पुनः 15 लाख की कीमत की 17 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन बीएमओ डॉक्टर राकेश सिंह जाटव को भेंट की। इस दौरान विधायक महेश परमार ने कहा कि इन मशीनों में 15 मशीन तराना सिविल अस्पताल और 2 मशीन माकड़ों सिविल अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों को काम आ सकेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में 5 मशीन और वर्तमान में 15 मशीनें मिलाकर तराना सिविल अस्पताल में अब कुल 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध हो चुकी है, जिसका लाभ बीमार मरीजों को मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही बीमारी को देखते हुए सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की पड़ रही है। ऐसे में मुझसे मेरी विधानसभा के परिवारजनों की यह समस्या देखी नहीं जा रही है। मैं मेरी विधानसभा परिवार के लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशान न होना पड़े, इसीलिए यह मशीन सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भेंट कर रहा हूँ। तराना संवाददाता सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। ये जिस तरह से महामारी चल रही है और संकट के दौर में सब लोग हैं, तो हमारा प्रयास है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मेरे परिवार के लोग को कष्ट ना हो। तो अभी हमने लगभग 17 मशीन अभी दिए, 5 मशीन पहले दिए और 100 सिलेंडर वो भी कल आ जाएंगे। और जो भी मूलभूत जो व्यवस्था है करनी है स्वास्थ्य विभाग की, हम सब लोग मिलकर करेंगे। आपके सामने है ये पूरी स्थिति। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सभी जो लोग मेरी आप जहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी, कि आप सब लोग ये महामारी का विकराल रूप है, सब लोग परेशान हैं। और आप जिस तरह से वायरस फैल रहा है, इससे जिससे मौत का प्रतिशत बढ़ा है, तो आप लोग अपने घरों में रहें जब तक ये महामारी का प्रकोप कम नहीं हो। आप सब लोग सावधानी रखें। और हमारा कांग्रेस परिवार के आदरणीय अध्यक्ष जी, जनपद के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और सभी साथी लोग यहाँ पर हैं, सर अध्यक्ष जी, हम यही प्रयास करेंगे आप सब साथियों से भी। बहुत जल्दी हम एक कमेटी का गठन करने वाले हैं और गाँव में ब्लॉक हमारे 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक अध्यक्ष जी तो रहे नहीं, आपको मालूम है, महामारी के कारण। तो तीनों ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सर दोनों हमारे माकड़ों कायथा और तराना के सिर अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर एक कमेटी का गठन करके वरिष्ठ नेताओं के एक जन जागरण का अभियान चलाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ा है संक्रमण का, तो वो कैसे दूर हो, हम सब हमारे साथियों के साथ मिलकर, युवक कांग्रेस, NSUI, इन सब के साथ मिलकर ये प्रयास करेंगे कि यह जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने भी परिवारजन हैं उनको इसके बारे में जानकारी दें कि इस रोग, इस संक्रमण से कैसे बच सकते हैं, तो ये भी हमें जानकारी देना है। और आने वाले समय में जो भी जरूरत लगेगी, अभी तक हमने 31 लाख रुपए तो तराना विधानसभा में क्षेत्र में दिए हैं, तो आने वाले समय में जो भी आवश्यकता लगेगी और देंगे, हमारा यही प्रयास है। और कल 25 बेड का ये यूनिट स्कूल में हमने किया है कि, तो ये कल नया कोरोना का हमारा इलाज नया सेंटर खुल जाएगा, वहाँ सभी लगभग जो तराना विधानसभा क्षेत्र के हमारे परिवारजन हैं जिनको इधर उधर भटकना पड़ रहा है, शहर में जगह नहीं मिल रही, कहीं बेड नहीं, हाहाकार, तो कहीं कम से कम उनको भटकना नहीं पड़ेगा और उनका प्राथमिक उपचार और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आएगी। कल 100 बाटले 100 सिलेंडर भी आ जाएंगे, तो हमने यही प्रयास किया है किसी को तकलीफ नहीं हो। और मैं इस समय यही कहना चाहता हूं कि आप सबके सामने स्थिति है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, दवाई की कमी है, लोग में हाहाकार मचा हुआ है। मैं इस समय किसी की बुराई और निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार की स्थिति आप सब लोगों के सामने है, तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप सब लोग अपने खुद का बचाव करें, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर, तो आपको आत्मनिर्भर बनना है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये मैं सब साथियों से कहना चाहता हूँ।